यार अगर काउथबेस की बात करें ना, तो यार काउथबेस जो है वो करती है नो सिक्वल डेटाबेस से रिलेटेड काम। तो जहां पे आप एरोस्पाइक यूज कर रहे होगे वहीं पे आप सिमिलरली काउथबेस कहीं ना कहीं यूज कर रहे होगे। हम समझेंगे कि इसका काम क्या है, उससे पहले हम समझेंगे इसका इंटरव्यू प्रोसेस क्या है, क्योंकि आप जब इंटरव्यू प्रोसेस उसका देखोगे ना तब आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बेसिकली वो काम क्या करते हैं, क्योंकि उनके जो क्वेश्चन होते हैं वो भी वैसे ही है जो उनका काम है। बट उससे पहले आपको एक डाउट आ रहा होगा कि यार भैया सीटीसी तो बता दो, सैलरी वगैरह तो बता दो। तो सीटीसी यार इसका दोस्तों जाता है 20 LPA के अराउंड, सो 20 LPA इज द एवरेज सीटीसी जो है आपको मिल रहा होगा। कौन कौन से बैचेस एलिजिबल हैं तो आप स्क्रीन पे देख लो। दिस इज ओपनिंग फॉर द ग्रेजुएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल, यहाँ पे R&D कोर फुल टाइम ऑन साइट बैंगलोर सारी चीजें लिखी है। तो जॉब लोकेशन आपका जो क्या हो गया बैंगलोर हो गया, यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है। सेकंड चीज हम इसको समझते हैं कि यार यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है वो 0 to 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज जो इन्होंने करी है वो इन्होंने मेंशन कर दिया है आपका पासिंग ईयर। तो पासिंग ईयर है 2020-21 and 22, ठीक है। तो अगर आप 2020-21-22 के हो तो आप जाके अप्लाई कर सकते हो। बट आपका CGPA जो है 8 या उससे ज्यादा का होना चाहिए, ठीक है। तो अगर CGPA आपका 8 या उससे ज्यादा का है तभी आप जाके अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस अगर आपको इन लैंग्वेजेस में गो जावा पाइथन तो बहुत ही प्लस पॉइंट नहीं है, देन अगेन आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी रिज्यूमे अच्छा होगा, आपने अच्छा काम करा होगा, देन यू विल बी गेटिंग शॉर्टलिस्टेड, ठीक है। प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि एक रियल वर्ल्ड फंक्शनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। सबसे पहले समझते हैं इसका इंटरव्यू प्रोसेस, तो वीडियो को एंड तक देख के जाना है, क्योंकि जब तक इंटरव्यू प्रोसेस नहीं समझोगे ना, क्योंकि ये नॉर्मल इंटरव्यू प्रोसेस से नहीं है। नॉर्मल आप जो DSA वगैरह दे रहे होंगे तो DSA पूछ रहे होंगे, यहाँ पे प्रॉपर DSA कभी नहीं पूछ रहे होंगे। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज कॉन्सेप्ट पूछ रहे होंगे जिसमें कहीं ना कहीं DSA तो हमेशा यूज हो ही रहा होगा। सर अब बात करते हैं इसके पहले इंटरव्यू प्रोसेस की, जिसमें लिखा हुआ है काउथबेस कंडक्टिंग ऑफ कैंपस ड्राइव, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे 3 राउंड इनके हुए, तीनों के तीनों टेक्निकल राउंड, तीनों पे डिस्कशंस, क्या डिस्कशंस हुए, क्या क्या चीजें पूछी गई, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू प्रोसेस होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे पहला जो अपने सामने क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है कि की वैल्यू पेयर, ठीक है। तो की वैल्यू डेटा स्टोर आपको बनाना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें काउथबेस की, तो काउथबेस भी आपका NoSQL डेटाबेस काइंड ऑफ चीजें देता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने वही बोला है कि अगर की वैल्यू डेटा मॉडल आपको बनाना है तो आप कौन सा ऑप्टिमाइज, कौन सा अच्छा डेटा स्टोर यूज करके उस चीज को बनाओगे। यहाँ पे बहुत सारे की वैल्यू डेटाबेस बताए गए हैं कि उनके फीचर्स क्या होते हैं, की वैल्यू के एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो की वैल्यू पेयर में बेसिकली एक ऐसा होता है, की होता है ना, JSON वैल्यू आप रख सकते हो या कोई भी वैल्यू रख सकते हो, व्हाटएवर डेटा टाइप यू वांट, ठीक है। आप उसके पहले स्टोर कर सकते हो, दैट इज अ NoSQL डेटाबेस। उसके बाद डिसएडवांटेजेस में यहाँ पे कुछ दी हैं चीजें, ठीक है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। सम एग्जांपल्स होते हैं की वैल्यू डेटा स्टोर्स, तो बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे उन्होंने बताया। सबसे पहला जो उन्होंने बोला है काउथबेस, ठीक है। इट परमिट्स SQL स्टाइल क्वेरी, ठीक है। तो इसमें SQL की जैसी क्वेरी होती है वैसे यहाँ पे होगी, एंड सर्चिंग फॉर टेक्स्ट, तो आप सर्च भी टेक्स्ट कर सकते हो। उसके बाद बहुत ही फेमस Amazon का DynamoDB, जब आप अगर Amazon में कभी भी इंटर्न कर रहे हो ना तो आप एक ही डेटाबेस में जल्दी काम करोगे Amazon DynamoDB पे, ठीक है। और भी डेटाबेस यूज होते हैं, बट हाँ Amazon DynamoDB आपने यूज करा होगा कहीं ना कहीं। उसके बाद React, ठीक है, एंड React आई एम नॉट हर्ड अबाउट, ठीक है। Aerospike मैंने यूज करा है, Aerospike इज ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है। ओपन सोर्स रियल टाइम डेटाबेस, ठीक है, बिलियन ऑफ एक्सचेंजेस उसमें हो रहे होते हैं, काफी ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में Aerospike आपका, रेडिश Aerospike की सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन में सेकंड राउंड में से क्या पूछा गया है। तो अगर सेकंड राउंड की बात करें तो उसमें बोला गया आई वॉज आस्क्ड टू डिजाइन द टेल फंक्शनैलिटी ऑफ द लिनक्स। टेल फंक्शनैलिटी ऑफ लिनक्स क्या होता है, ये बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। तो जब आप लिनक्स के कमांड लाइन में, ठीक है, वहां पे कुछ लिख रहे होगे तो आपने हेड यूज करा होगा, आपने टेल यूज करा होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे टेल को बहुत सिंप्लीफाइड टर्म्स में समझें, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा टेल कमांड इन लिनक्स विद एग्जांपल, ठीक है। मान लो आपको एक फाइल दे रखी है, यू वांट कि आपको लास्ट की 10 लाइन चाहिए, ठीक है, छोड़ो फाइल छोड़ो। समझो आपने क्या करा, लॉक्स की एक फाइल बनाई, ठीक है, आपकी एप्लीकेशन चल रही है और लॉक की एक फाइल बनी। अब आपको चाहिए कि जो लास्ट 10 लॉग है ना वो वाले आपको चाहिए, तो आपने क्या करा, टेल कर दो, कितनी लाइन चाहिए, 10 लाइन चाहिए, तो -10 या जो भी जितनी भी आपको लाइन चाहिए, आपने नंबर ऑफ लाइंस डिफाइन कर दी, आपने फाइल का नाम दे दिया, तो वो 10 लाइन आपकी आ गई। आपकी दो फाइल है तो आप दो फाइल के नाम दोगे तो दोनों फाइल के 10 लाइनें आपकी यहाँ पे आ जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। सो सिंपली टेल का ये यूज होता है। बाकी आप जाके और इन डेप्थ यहाँ पे समझ सकते हो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको कि टेल कैसे काम करता है। एक्चुअली इनके क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग है, ठीक है, तो मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग इनके क्वेश्चंस लगे, तो आप इनको एक बार गो थ्रू जरूर करना। आप इस इंटरव्यू में नहीं हो सकता, किसी और इंटरव्यू में आपसे ऐसे क्वेश्चन, इससे सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाए, तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है ये चीज। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं जो थर्ड राउंड में पूछा गया है, दैट इज अगेन अ पैरेलल शॉट, ठीक है। तो बेसिकली जब भी आप जावा वगैरह में यूज कर रहे हो तो
मतलब एरे डॉट शॉर्ट वगैरह कर रहे होगे, ठीक है, तो वो सिक्वेंशियल शॉर्ट करता है। जावा 8 में एक चीज आई थी जिसको बोलते हैं पैरेलल शॉर्ट, तो वो यही चीज की बात कर रहे हैं आपसे कि पैरेलल शॉर्ट कैसे होता है, ठीक है। तो अगर आपका डेटा सेट लाग है, आप बहुत ही ज्यादा डेटा सेट पे काम कर रहे हो, शॉर्टिंग कर रहे हो, ठीक है, देन पैरेलल शॉर्ट बहुत ही ऑप्टिमाइज होगी। बट अगर आप छोटे डेटाबेस पे काम कर रहे हो, छोटा डेटा सेट है आपके पास, तो पैरेलल शॉर्ट उतनी ऑप्टिमाइज नहीं होगी। पैरेलल शॉर्ट ऑप्टिमाइज कैसे होती है, क्योंकि पैरेलल शॉर्ट यूज करती है कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग की, एक थ्रेड अगर खाली बैठा है ऐसे चिल कर रहा है एक थ्रेड, ठीक है, तो उसको चिल नहीं करने देंगे, तो मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट जहां पे यूज करते हैं, ठीक है, और मल्टीपल थ्रेड्स जो है उस काम को कर रहे होते हैं। आप जाकर चेकआउट कर सकते हो थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं करा है। एक और जॉब अपॉर्चुनिटी है काउटबेस की साइड से ही, अगर आप 1-3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो और आप फ्रंट एंड करना चाहते हो, तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है फॉर द जूनियर फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे, दोनों की जॉब लोकेशन बैंगलोर है। चेकआउट कर लेना, अप्लाई कर देना वेर एवर यू वॉन्ट, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो ना, सो आई एम प्रीटी श्योर आप एक बहुत अच्छी चीज मिस कर रहे होगे, वो होगा न्यूटन स्कूल का फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम। जैसा नाम वैसा काम, सो फुल स्टैक इज लाइक की आपको फ्रंट एंड, बैक एंड, डीएसए, जो भी चीजें आपके रिक्वायर्ड होती है टू अपस्किल योरसेल्फ, आपकी ड्रीम कंपनी में प्लेस करवाने के लिए आपको वो सारी चीजें यहाँ पे सिखाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे इंडस्ट्री मेंटर्स होते हैं। इस जो कोर्स होता है इसकी बहुत ही फ्लेक्सिबल ड्यूरेशन है, 3 months 6 months, इन एन ईयर आप कंप्लीट कर सकते हो जब भी आप चाहो। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे ईएमआई ऑप्शन मिल जाता है, तो 5000 से आपका ईएमआई ऑप्शन स्टार्ट होता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके चेकआउट करना, बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।